हेलो दोस्तों, मेरा नाम शफीक है और स्वागत है आपका अडोल्फ रीडर पर। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसी बुक्स के बारे में जो कि आपकी लाइफ, आपकी पर्सनैलिटी, आपके काम और इन सब में आपको बेहतर बनाने में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूँ कि मैं काफ़ी ज़्यादा बात करता हूँ बुक्स के बारे में, उनके बारे में वीडियोज़ बनाता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है और आप रीडर हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आ जाए तो उसको लाइक भी ज़रूर कर दें। तो आई एम वेरी सॉरी कि वीडियो जो है मैं काफ़ी देर से ही अपलोड कर रहा हूँ, लगभग एक वीक हो चुका है और अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली कुछ काम ऐसे थे जिनमें मैं बिजी था, इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन चलिए, आज के वीडियो में बिना किसी देरी के जंप करते हैं और शुरू करते हैं वीडियो। इन बुक्स में कोई भी ऐसी क्रोनोलॉजी यूज़ नहीं की गई है मेरे ज़रिए कि कौन सी बुक मुझे ज़्यादा अच्छी लगी और कौन सी कम अच्छी लगी। ये बुक सारी जो है मैं रैंडमली आपको शो करने वाला हूँ। जो फर्स्ट बुक है वो है बी सो गुड दे कैंट इग्नोर यू। इस बुक में ऑथर जो हैं वो बताते हैं कि आपका जो टैलेंट है उसको आप ज़्यादा वैल्यू करते हैं। और आज के टाइम में टैलेंट की बात की जाती है, हम भी सोचते हैं टैलेंट तो होना चाहिए, अगर टैलेंट नहीं है तो हम किस तरीके से सक्सेसफुल बन सकते हैं। लेकिन ऑथर का कहना कुछ और है। उनका ये है कि टैलेंटेड पीपल भी कई बार अपनी लाइफ में अनसक्सेसफुल होकर बैठे हुए होते हैं, और जो लोग एफर्ट लगाते हैं यानी जो मेहनत करते हैं ज़्यादा, वो लोग टैलेंटेड पीपल या टैलेंटेड लोगों से भी ज़्यादा आगे निकलने के चांसेस होते हैं उनके। तो इवन अगर आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट नहीं है इस दुनिया में कि आप उसको पेश कर सकें लोगों के सामने और उसकी वैल्यू लोग समझें, तो अपने अंदर आप ऐसी स्किल्स डेवलप कर सकते हैं और अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हैं। बुक में ऑथर ने बार बार ये बात कही है, डोंट फॉलो योर पैशन। और उसका रीज़न उन्होंने ये बोला है कि पैशन इंसान के अंदर होता है, हर इंसान अपना अपना एक पैशन लेके आता है, लेकिन उस पैशन की हो सकता है इस दुनिया को ज़रूरत ना हो इस समय या इस मोमेंट पर, आपकी वो क्वालिटी जो है दूसरे लोगों के लिए वैल्यूबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप बैठ तो सकते नहीं हैं, राइट? तो आपको जो है आपने अंदर ऐसी एक स्किल डेवलप करनी है जो कि आज की इस मार्केट में, इस दुनिया में उसकी वैल्यू समझे जाए और उस पर आपको कमांड हासिल हो। सो जैसे कि ऑथर का नाम आपको बताया नहीं मैंने, केल न्यूपोर्ट ने ये बुक लिखी है, और ये बुक मैं हर उस इंसान को रेकमेंड करूँगा जो अपना एक करियर बनाना चाहता है, करियर बनाने की दहलीज पर कदम रख चुका है या ऑलरेडी किसी करियर में है और समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे आगे, या उसको ये बात पता नहीं चल रही है कि एक्चुअली वो जो कर रहा है वो वर्थ है उसके लिए या उसको इतनी वैल्यू प्रोवाइड की जा रही है, तो ये ज़रूर ये बुक पढ़ सकते हो आप। जो सेकेंड बुक है वो भी केएल न्यूपोर्ट की है, डीप वर्क। इसमें बात की गई है कि किस तरीके से आज के डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में आप जो है बेहतर तरीके से अपने काम को कर सकते हैं फोकस्ड। यानी फोकस जो है वो बहुत कम है, फोकस की बात नहीं की जाती इतनी, और बात की भी जाती तो वो प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। तो अगर आपने कोई स्किल सीखने का फैसला किया है या अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, आपने आपको इम्प्रूव करने के लिए कोई चीज़ आप कर रहे हैं, तो डीप वर्क उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। डीप वर्क एक टर्म है जो ऑथर ने बनाई है, इनसे इसका मतलब ये है कि ऐसा काम या ऐसी चीज़ आप करें जिसमें आप खो जाएं एक तरह से, और कोई भी ना हो, कोई डिस्ट्रैक्शन उस वर्ल्ड में आपके और आपके काम के बीच में ना हो। इसी के बारे में इस बुक में बात की गई है कि कैसे आप अपने अंदर वो स्किल डेवलप कर सकते हैं, वो एबिलिटी जो है वो डेवलप कर सकते हैं जिससे आप फोकस्ड रहें अपनी लाइफ में, जो स्किल आप सीखना चाहते हैं उसको लेकर। हर स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो बुक ये पढ़ना चाहे तो बिल्कुल वो पढ़ सकता है, क्योंकि उनकी लाइफ में स्टडीज़ चल रही होती हैं, कई बार कोई ऐसी चीज़ होती है जो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है समझने में, और उसमें फोकस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन जो है वो कम नहीं हो रहे या उनसे हम बाहर नहीं आ पा रहे, किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम उनको ज़रूर आती है, तो ये बुक वो ज़रूर पढ़ें। दोस्तों, अगली जो बुक है वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, वैसे सारी बुक्स अच्छी लगी है लेकिन इसके बारे में स्पेशली बताना चाहता हूँ मैं। बुक का नाम है एसेंशियलिज्म बाय ग्रेग मैकॉन। इस बुक में बेसिकली फोकस किया गया है एक चीज़ के ऊपर कि आपके पास कितनी ज़्यादा ऑप्शंस है, कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं, या बहुत कुछ है या सब कुछ है, ये इतना मैटर नहीं करता। आपके पास चीज़ें हैं तो काफ़ी सारी है, लेकिन आप उनमें कंफ्यूज हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो आपके लिए ज़्यादा मैटर करती है या ज़्यादा आपको हेल्प कर सकती है ग्रो करने में। डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऑथर ने बताया है कि कैसे इंसान कम में खुश रह सकता है, यानी उसको चूज़ करना, यानी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे काम, बहुत सारी एक्टिविटीज़, उनमें से वो चूज़ करे कि उसको क्या करना है। अगर वो ये चूज़ करने में कामयाब हो जाता है
तो उसके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा उसका टास्क अचीव करना। इसमें बेसिकली यही बताया गया है कि आप अपने पास 10 ऑप्शन रखें, उससे बेहतर है कि आप अपने पास 2 ऑप्शन रखें, क्योंकि उसमें कंफ्यूज होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं आपके। कई एग्जांपल मैंने अपने एक वीडियो में दिया था, एग्जांपल के तौर पे आपके पास 10 जीन्स हैं और आप सुबह उठे हैं और आपको फैसला करना है कि कौन सी जीन्स आपको पहननी है आज, लेकिन आप नहीं सोच पा रहे हैं। इसी की जगह अगर आपके पास सिर्फ 2 जीन्स हैं तो आपको उतना समय नहीं लगेगा कि कौन सी चीज़ आपको पहनकर जाना है। इससे बेसिकली क्या होता है, टाइम सेव होता है आपका और कंफ्यूजन जो है वो कम होता है। जो भी जो है कम में या अपने आपको चूजिंग पे यानी वीक है, यानी चीज़ों को पहचानने में, उनको डिसाइड करने में उनकी लाइफ में कि कौन सी चीज़ इसको चूज कर लेनी चाहिए, उसमें वीक है, तो वो ये बुक ज़रूर पढ़े। तो एक और बेहतरीन बुक जो है अगली, वो है द पावर ऑफ हैबिट बाय चार्ल्स ड्वेक। ये काफ़ी क्लासिक बुक है हैबिट्स के मामले में, इसकी सारे लोगों ने बात की है। जो भी वीडियो आप देख लें, प्रोडक्टिविटी के वीडियोज़ देख लें या बुक्स जो है सेल्फ हेल्प बुक्स की वीडियोस देख लें, इस बुक के बारे में हर इंसान ने बात की है। इस बुक में बेसिकली ये समझाया गया है कि हैबिट है क्या। दोस्तों हैबिट एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी अपने अंदर एबिलिटी है जो हमें एक समय पे मल्टीपल काम करने की परमिशन देती है या एबिलिटी देती है। एग्जाम्पल आपको देता हूँ मैं, फर्स्टली जब आप ड्राइविंग सीखते हैं तो ड्राइविंग सीखते हैं आप ध्यान देते हैं हर चीज़ पे, क्लच कहाँ पे है, गियर कहाँ पे है, ब्रेक कहाँ पे है, हॉर्न कैसे बजाना, वो स्टीयरिंग व्हील पे ध्यान रहता है आपका। लेकिन जब आप वो सीख जाते हैं, आपको उसकी आदत हो जाती है, तो आप बिना सोचे समझे ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं और कॉल पे बात करते हैं, सारी चीज़ें कर रहे होते हैं और अपने दोस्त से बात कर रहे होते हैं, सारी चीज़ें कर रहे होते हैं और कुछ सोच भी रहे होते हैं, लोगों को देख रहे होते हैं, फुटपाथ पे क्या चल रहा है, आपका ध्यान बिल्कुल नहीं होता कार ड्राइविंग करने में, लेकिन ऑटोमेटिकली आप वो करते हैं। यानी मल्टीपल चीज़ें करने की चॉइस, मल्टीपल चीज़ें करने की एबिलिटी, यही हैबिट होती है। समझाया गया है कि हैबिट जो है वो बुरी भी होती है, अच्छी भी होती है। ऑब्वियसली बुरी हैबिट आपके लाइफ में आपको डाउनवर्ड ले जाती है, आपको आपकी जो एबिलिटी है फुल एबिलिटी उसको यूज़ करके लाइफ में आगे बढ़ने से रोकती है और आपको दूसरे रास्ते ले जाती है जो आपके लिए उतना अच्छा नहीं है। लेकिन अच्छी हैबिट जो होती है आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है उनको और हाई लेवल पर लेके जाती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि अच्छी आदतें कैसे डेवलप की जाए अपने अंदर और बुरी आदतों को ख़त्म कैसे किया जाए, तो यही बात इस बुक में की गई है। इस बुक में समझाया गया है कि हैबिट ऑफ इंडिविजुअल, इंसान एक अकेले इंसान की हैबिट के बारे में बात की गई, फिर हैबिट ऑफ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन यानी कंपनीज जो हैं वो हैबिट का कैसे यूज़ करती हैं अच्छी प्रोडक्टिविटी के लिए अपनी कंपनी में, और सोसाइटी की हैबिट्स कैसे काम करती हैं, यानी सोसाइटी की भी एक हैबिट होती है। कहीं अलग जगह आप जाते हैं इंडिया को छोड़ कर दूसरे देश में, तो वहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि चीज़ें चेंज हो गई है बिल्कुल। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ की सोसाइटी है और सोसाइटी ने कुछ सर्टेन हैबिट्स अपने अंदर डेवलप कर रखी है जिससे लोग उतना जानते भी नहीं हो रहे हैं। कई बार अगर हम यहाँ से माइग्रेट करके किसी फॉरेन सिटी में चले जाएं तो हम भी एक दो साल में उसी का हिस्सा बन जाएंगे, उसी हैबिट के एटमॉस्फेयर का, और हमें एहसास भी नहीं होगा कि हम उसका हिस्सा बन चुके हैं। वैसे ही होता है सोसाइटी के हैबिट्स में भी, तो वो भी इसमें अच्छे से समझाई गई है। ये बुक जो है मैं हर इंसान को रिकमेंड करूँगा, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो टीचर हो। नेक्स्ट बुक जो है वो है पीक बाय एंडर्स एरिक्सन। एंडर्स एरिक्सन एंड रॉबर्ट पूल, इन दोनों ने मिलकर इस बुक को लिखा है। तो दोस्तों इस बुक में बेसिकली ये समझाया गया है कि हर इंसान एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट जो है अपनी लाइफ में ले सकता है और वो कैसे ले सकता है इसके बारे में बात की गई है। कैसे लोग जो हैं इतने टैलेंटेड हो बन जाते हैं, कैसे लोग जो हैं वो अपने आप को बेहतर ग्रूम करके और मेहनत करके अपने अंदर सर्टेन क्वालिटीज़ डेवलप करते हैं, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल्स, इस सारी चीज़ें, चेस में मेडल्स, और जो महान लोग होते हैं ज़्यादातर जो टैलेंटेड लोग होते हैं जिनके नाम हमने सुने होते हैं हिस्ट्री में, उनकी उनके लाइफ में उन्होंने कैसे चीज़ें ये अचीव की, इसी की पूरी साइंस इस बुक में बताई गई है दोस्तों। और दोस्तों इसमें एक टर्म बार बार यूज़ होती है, डेलिबरेट प्रैक्टिस। डेलिबरेट प्रैक्टिस ये है, एक तो ये होता है कि हम घर बैठ के किसी बुक को पढ़ करके और कुछ इम्प्रूवमेंट हमारी लाइफ में लाने जा रहे होते हैं, लेकिन होता ये है कि हमें कोई भी गाइड नहीं करता कि हम वो जो चीज़ हम कर रहे हैं उसको सही तरीके से कर भी रहे हैं, यानी वो कर रहे हैं तो उसमें क्या फॉल्ट है जिसको दूर करने के बाद हम उस चीज़ को और बेहतर तरीके से कर पाएँ। लेकिन डेलिबरेट प्रैक्टिस में होता है कि आपके पास एक कोच होता है, एक गाइड होता है, वो आपको देख रहा होता है कि आप कोई स्किल सीख रहे हैं,
तो आप उसमें लैग कहाँ कर रहे हैं, और वो आपको फीडबैक देगा, इमीडिएटली फीडबैक देगा, तो आपके लिए ये जो प्रोसेस है ईजी हो जाएगी और शॉर्ट भी हो जाएगी, और आपको डर नहीं रहेगा कि जो मैं कर भी रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो इसी को कहा जाता है डेलिबरेट प्रैक्टिस का रूल। इस बुक को टीचर्स पढ़ सकते हैं, इस बुक को साइकोलॉजिस्ट इवन पढ़ सकते हैं, ट्रेनर को पढ़ना चाहिए, स्टूडेंट को बिल्कुल पढ़ना चाहिए, उनके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आएगा इस फील्ड का। इसमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी अपने अंदर एबिलिटीज़ जो लोग अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं वो कैसे करते हैं। तो आज की फाइनल और लास्ट बुक है ग्रिट, ग्रिट बाय एंजेला डकवर्थ। इस बुक के बारे में बिल्कुल मैं बात करना चाहता हूँ। मैंने इसका वीडियो देखा था, सबसे पहले प्रेजेंटेशन बनाई थी किसी शख्स ने बेहतरीन, तो उसमें मुझे इसका कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा लगा। इसमें पैशन और रेजिलियंस की बात की गई है। अभी पिछली बुक में हमने बात किया, ऑथर बोलता है डोंट फॉलो योर पैशन, और इस बुक में कहा गया है फॉलो योर पैशन, और आप सब्र रखिए, अपने अंदर एबिलिटी रखिए चीज़ों को झेलने की, नेगेटिविटीज से आगे बढ़ने की, तो आप बिल्कुल अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हैं। आपके अंदर पैशन होना चाहिए और रेजिलियंस होना चाहिए। लास्ट बुक जो है उसमें एक आ गया है कि पैशन को छोड़ दीजिए और अपने अंदर हैबिट डेवलप कीजिए, तो एक बेहतरीन जो है आपके पास दो दो पॉइंट ऑफ व्यूज आ जाएंगे। उस बुक को भी आप पढ़िए, इस बुक को भी पढ़िए, तो आपके अंदर एक मेंटल डेवलपमेंट होगा चीज़ों का समझने के लिए, और आप समझ पाएंगे कि लोग किस तरीके से रिसर्च करते हैं और अलग अलग नतीजे निकालते हैं उन्हीं सेम चीज़ों के जिसको हम समझ रहे होते हैं। तो बिल्कुल आप ये दोनों बुक पढ़ें, ये बुक भी काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल आपको मज़ा आएगा इस बुक को पढ़ के भी। ये रही वो सारी बुक्स जो मैंने आपको आज बताई, इनमें वो बुक्स भी हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में आपकी हेल्प करती हैं, और इसमें वो बुक्स भी हैं जो लाइफ में आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करती हैं, वो बुक्स भी जो करियर को आपके बेहतरीन एक ऊंचाई पर ले जाने में आपकी हेल्प कर सकती हैं। तो आप इस बुक को ज़रूर पढ़ें। दोस्तों ये बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और ये भी कि वीडियो में और कौन सी बुक्स जो हैं वो मैं ऐड कर सकता था जो आपकी पसंदीदा है और आपने पढ़ी हैं। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।